हेलो फ्रेंड्स, इजी फूड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान सा चाउमीन से नूडल से बना हुआ चॉलेट। बहुत ही कम समय में बहुत ही कम सामानों के साथ हम लोग ये ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए एक पैकेट नूडल्स, एक अंडा, एक ऑनियन, ऑयल, सॉल्ट, ग्रीन चिली और नूडल्स पाउडर। गैस ऑन करके एक बर्तन में एक गिलास पानी लेंगे और उसे गर्म होने के लिए देंगे। उसके बाद उसमें हम लोग नूडल्स डाल देंगे, जो हमारा रखा हुआ कोई भी नूडल्स चलेगा। अगर आपके पास आटा नूडल्स नहीं है तो आप कोई भी मैगी या भी कुछ भी ले सकते हैं। उसमें पानी डाल के उसको गर्म होने दीजिए। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये नमक मैंने इसमें डाल दिया है। इसको बॉईल होने देंगे और हमें देखना है कि वो अच्छे से बॉईल हो जाए। ज़्यादा ओवर बॉईल भी नहीं करना है हमें। बीच बीच में फोक के साथ हम इसको मिलाते रहेंगे। ये मेरा नूडल्स बॉईल हो चुका है। उसके बाद हम लोग और एक कटोरी में अंडा को निकाल देंगे। उसमें कटा हुआ, बारीक कटा हुआ जो प्याज है आप इसमें डाल दीजिए और थोड़े से ग्रीन चिली डाल देंगे, जितना आपको चाहिए, जितना नमक आपको चाहिए स्वाद अनुसार हम लोग डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करके अलग रख लेंगे। उसके बाद गैस ऑन करके तावा को गरम करेंगे और उसमें एक स्पून तेल डालेंगे और उसे गरम होने देंगे। तेल को चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और तावा को गरम होने के लिए देंगे। ये मेरा तावा गरम हो चुका है। अब इसमें हम लोग अपना बॉयल नूडल्स डालेंगे। नूडल्स डाल के उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये मैंने नूडल्स डाल दिया है और अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब इसमें वो जो अंडा रखा था मैंने उसको डाल दूंगी। तो अभी अंडे को मिक्स अच्छे से कर लेना है। ये मैंने अंडा मिक्स कर लिया है और मैं इसको नूडल्स के ऊपर डाल दूंगी। देखिए मैंने डाल दिया। तो अभी और एक स्पून लीजिए और उसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए नूडल्स के ऊपर। अभी इस नूडल्स का जो मसाला पैकेट है हम उसको इसके ऊपर डालेंगे। देखिए उसको काट के उसको ऐसे स्प्रेड कर लीजिए अच्छे से। स्प्रेड करने के बाद उसको गैस को सिम करेंगे और हम इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गया है, हम कवर निकाल के चेक करेंगे। ये देखिए अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम लोग फिर से इसको और 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। उल्टा करने के बाद मेरा 2 मिनट का कुकिंग भी हो चुका है और ये लगभग रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसको सर्व करिए एक प्लेट में, टमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं। अगर आपको टमेटो सॉस नहीं चाहिए तो आप ऐसे प्लेन भी खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें नूडल्स पाउडर डाला है तो उसका जो टेस्ट है इसके ऊपर रहेगा। सो आप लोग इसको मज़ा करिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और खाने से पहले हाथ धोना मत भूलिए। Thank you.